आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है, किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश विधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है, आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता। तो विधूरी कैसे हिल गया?